महाराष्ट्र सरकार डांस बार पर पाबंदी लगा दे, लेकिन चोरी छिपे पुलिस की नाक के नीचे आज भी अय्याशी के ये सारे कारोबार चल रहे हैं। लेमन टीवी की टीम ने ऐसा ही मामला बेनकाब किया है। टिटवाला से 2 किलोमीटर दूर विकास फार्म पर रात में अश्लील पार्टियां मनाते हुए 10 महिलाएं पकड़ी गयी, जिनमें से 3 फरार हैं। देखिए लेमन टीवी के छापा मारने के बाद अपने चेहरे किस तरह से छुपा रहे हैं। सबसे खास बात तो ये है कि यहाँ से 2 किलोमीटर के अंदर टिटवाला पुलिस स्टेशन है और पुलिस को कानों कान खबर नहीं। इन लोगों को पकड़ने के बाद पुलिस से संपर्क करने पर भी संपर्क नहीं हो सका, मजबूरन थाने पुलिस कंट्रोल रूम को इसकी इत्तला दी गई। हम पुलिस बुला रहे हैं। थाने पुलिस भी मामले में टाल मटोल कर रही थी। 2 घंटे के बाद आखिर इन लोगों को टिटवाला पुलिस को सौंपा गया। इस पार्टी में कुछ राजनीतिक पार्टियों के नेता भी शामिल थे। गौर से देखिए इस चेहरे को, इसका नाम गजेंद्र तोंगर उर्फ पप्पू है। ये थाने नगर पालिका का कर्मचारी है। इसका कहना है कि मुंबई पुलिस को मैं अपनी मुट्ठी में लेकर घूमता हूँ। खुद ही सुनिए इसकी जबान। नहीं नहीं मेरे को तो दादागिरी कर रहा है ना। दादागिरी कौन बोल रहा है? दादागिरी करने को कौन, किसका राइट है दादागिरी? यहाँ कोई नहीं कर रहा। तुम पत्रकार हो गए, मेरे को दादागिरी कर रहा है? अबे तेरे जैसे 10 पत्रकार मेरे पास जेब में घूमते हैं साले, वो स्टार माजे वाले मेरे साथ में है। इस गाड़ी का नंबर MH03AF5010 है। आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये गाड़ी किसकी हो सकती है। ये MNS नेता परवीन गायकवाड़ की गाड़ी, जो कि छापा पड़ते ही रफू चक्कर हो गई। सरकार ने भले ही अश्लील पार्टियों पर पाबंदी लगा दी, मगर पुलिस की मिली भगत से अय्याशी के ये सारे कारनामे बखूबी अंजाम दिए जाते हैं। भले ही सरकार डांस बार को रोकने के लिए अनेकों कानून बनाए, सवाल ये उठता है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो अश्लील कार्य होते हैं उन पर सरकार की नजर जाती है या नहीं। कैमरा पर्सन सुमन के साथ शाहिद अंसारी, लेमन टीवी, मुंबई।